प्रॉफिट देते हैं उसके पक्ष में ज्यादा, नहीं जाति कभी विकास नहीं। जात से कोई मतलब नहीं है, जात से है, जात से कुछ परसेंट उसको मिलेगा लेकिन 90% उसको वोट नहीं मिलेगा। हमको तो विकास देखना है, माछ भात जो खाई थी कहिएगा, यहाँ कोई माछ भात काम नहीं आएगा। वोट काटने के लिए उतारे थे युवा लोग, युवा के साथ खाए माछ भात वहाँ पे, यहाँ तो कोई उपाय नहीं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को, मेरा नाम अभिषेक है। कुंडी में मतदान हो रहा है, सुबह 7 बजे से वोटिंग हो रही है और वोटिंग के दौरान काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। वही वोटिंग के बाद लोग क्या कुछ बोल रहे हैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी ने भूमियार कैंडिडेट उतारा है, ऐसे में स्वर्ण समाज किधर शिफ्ट किया है इसकी राय जानने के लिए लोगों के बीच आए हैं। वोट गिरा दिया अंकल? हाँ गिरा दिया। कब गिराया? अभी हो गया एक घंटा। एक घंटा हो गया, काफी खुशी मिली? हाँ काफी खुशी मिली। अच्छा, क्या लग रहा है, क्योंकि वीआईपी ने, मुकेश सहनी की पार्टी ने भूमियार कैंडिडेट दिया, तो क्या जाएंगे आप लोग? तो हम लोग जो प्रॉफिट देते हैं उसके पक्ष में ज्यादा है। क्या लग रहा है आप लोग को, तो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है? माना जाता है, लेकिन मत देना तो अपने अपने कर्तव्य है, अपने हिसाब से दिए। अच्छा, जात देखकर वोट दिए या विकास? नहीं, जात देखकर नहीं, विकास विकास देखकर। हाँ, तो और भी लोगों से हम राय जानेंगे। अच्छा, क्या लग रहा है अंकल जी, वोट गिरा दिए? हाँ गिरा दिए। कितने बजे गिराए? हम तो गिराए 7:30 में, सुबह 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 पहले। जी हाँ। कितनी खुशी मिल रही है? बहुत अच्छी खुशी मिल रही है। अच्छा, मुकेश सहनी की पार्टी ने भूमियार कैंडिडेट उतारा था, ऐसे में भूमियार वोट बीजेपी का माना जाता है, तो उधर शिफ्ट करेगा क्या? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कुछ लोग दे सकते हैं, ऐसे बीजेपी की अच्छी पहल है और बीजेपी सरकार रहेगी तो हम लोग का देश का विकास होगा, हमारा भविष्य उज्ज्वल है। वो जो चल रही है, जो हमारा पहले देश सुरक्षित होगा तब ना हम सुरक्षित हैं, इसलिए जो भी चलेगा मोदी का टारगेट है, हम लोग मोदी को देख रहे हैं, नीचे नहीं देख रहे हैं। नीचे कितना विकास हुआ नहीं हुआ उससे बहस नहीं है। स्वर्ण समाज बीजेपी के साथ है? बीजेपी के साथ है, बीजेपी 100%। भूमिहार कैंडिडेट जात से कोई मतलब नहीं है, जात से है, जात से कुछ परसेंट उसको मिलेगा लेकिन 90% उसको वोट नहीं मिलेगा, वोट नहीं देगा। वोट काटने से नहीं होता है, वोट मास लेवल पर देखा जाता है कि किसको पड़ रहा है। तो हम बता रहे हैं कि रजला पंचायत से बीजेपी निष्पक्ष रूप से निकल रही है। क्या कहेंगे अंकल जी, वोट गिरा दिए? जी हाँ। कितने बजे गिराए हैं? वही 8 बजे। 8 बजे गिराए हैं? हाँ। सुबह सुबह सबसे पहले? हाँ हाँ हाँ। खाना वाना खा लिया? हाँ खाना खा लिया। अच्छा, क्या क्या लगा वोट गिराया तो, कितना उत्साह है? अच्छा उत्साह है, जो वोट में होना चाहिए। अच्छा, क्या लगता है भूमिहार समाज और स्वर्ण समाज जो है वो बीजेपी का वोट बैंक माना जाता है, ऐसे में मुकेश सहनी की पार्टी ने भूमिहार कैंडिडेट दिया, क्या साथ गए हैं आप लोग या बीजेपी के साथ? जहाँ वोट बैंक माना जा रहा है आप खुद ही कह रहे हैं, तो उसी में दिए हैं। मुकेश सहनी भूमिहार कार्ड, वो भूमिहार थोड़े हैं, मुकेश सहनी की पार्टी ने भूमिहार उतारा है? हाँ भूमिहार को उतारा है, लेकिन वो भूमिहार तो नहीं ना, कैंडिडेट भूमिहार है ना। कैंडिडेट रहने से क्या होगा, जात भाई को नहीं दीजिएगा? वो हमारा जात कैसे हो गया? हम जिसको अच्छा मानेंगे उसी को ना देंगे? बीजेपी को, बीजेपी को हम लोग चाहते हैं इसलिए उसको दिए। और ऊपर देख रहे हैं, अब नीचे विधायक कोई रहेगा, कोई जात रहे, यहाँ तो जात पर देना होता तो इसी को देते हैं, जात पर देना होता तो इसी को देते था, लेकिन जात पर तो देना नहीं था। हमको तो विकास देखना है अपना क्षेत्र का। माछ भात का नारा भी बोला गया था? हैं, माछ भात का नारा? दूर माछ भात जो खाई थी ओकरा के कहिएगा। माछ भात के नारा अंकल जी, यहाँ कोई माछ भात काम नहीं आएगा। माछ भात के नारा, वही बात जो कहे हैं, यहाँ कोई काम करने वाला नहीं। और भी लोग हैं? अच्छा, क्या कहेंगे अंकल, वोट गिरा दिए? हाँ, बहुत अच्छा उत्साह है बीजेपी के लिए, बीजेपी के लिए उत्साह है। अच्छा, मुकेश सहनी ने तो भूमिहार कैंडिडेट उतारा था, भूमिहार समाज को उतारा, वोट काटने के लिए उतारे थे, भूमिहार समाज को कोई टिकट नहीं देता है, उसको टिकट दिया इसलिए कि वोट काट के अभी जो बीजेपी की जीत होने वाली है उसको हम हरा के और अगला को जीता है, इसके लिए कुछ दिए। आप लोग बीजेपी के साथ? हाँ बीजेपी के साथ है, बीजेपी के। और भी लोग हैं? अच्छा, क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अंकल जी, वोट गिरा दिए? हाँ वोट गिरा दिए। कितने बजे जाके गिरा दिए? और लगभग 7:30-8 के करीब पहले वोट गिराना है। कितनी खुशी मिली? तो देख सकते हैं वोट गिरा दिया और काफी खुशी है। अच्छा, क्या कहेंगे आप लोग, तो बीजेपी के माने जाते हैं, बीजेपी के साथ हैं कि भाई हम तो फौजी है, तो आपको पता ही है कि फौजी तो बीजेपी को छोड़ कर कहीं जाता नहीं है, जो है उससे बड़ा तो कोई है ही नहीं। भूमिहार का कैंडिडेट दिया है, और वो छोड़िए, हम बाकी जात का नहीं लेते, हमारे देश को और हिंदू को जो आगे बढ़ाएगा हम उसके साथ है, अपना समाज के साथ नहीं,
समाज तो हमारा सबके साथ है, समाज साथ में और भी, और युवा वर्ग के भी कुछ लोग हैं, युवा वर्ग के भी लोग हैं, उनसे ही बातचीत करेंगे। अच्छा क्या लग रहा है, वोट गिरा दिए? हाँ हाँ वोट गिरा। कितने बजे गिराए हैं? 10 बजे करीब। 10 बजे करीब में। अच्छा क्या लग रहा है, भूमिहार कैंडिडेट दिया था, भूमिहार समाज के साथ जाएंगे कि नहीं कि बीजेपी? हम तो उन्हीं को दिए हैं, नीलाभ कुमार को ही दिए हैं। युवा में क्रेज है इसलिए। हाँ युवा में क्रेज है उनका, अच्छा है, युवा वोट उन्हीं के साथ ज्यादा है इसलिए। अच्छा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है? युवा लोग युवा के साथ, युवा लोग युवा। आप बाकी दो कैंडिडेट को तो हम लोग देख चुके हैं ना पहले से, नए चेहरे को मौका मिलना चाहिए। नए चेहरे को जी, नीलाभ को दिए हैं जी, मतलब भूमिहार समाज से हैं इसलिए। समाज से नया चेहरा आना चाहिए, नया चेहरा आना चाहिए, दिए हैं आप जी, समर्थन किए हैं। अच्छा क्या कहेंगे, वोट गिरा दिए? हाँ सर। कितने बजे गिराए हैं? 10 बजे। 10 बजे क्या लग रहा है, बीजेपी जीत रही है यहाँ से? युवा भूमिहार जो है, युवा से नहीं, देखिए मुकेश सहनी जी सन ऑफ मल्लाह हैं, वो बोलते हैं मल्लाह है, मल्लाह का राजनीति करते हैं, तो जो माच भात का नारा, माच भात का तो जाके खाए माच भात वहाँ पे। यहाँ पे कोई उपाय नहीं, यहाँ पे बीजेपी जीत रहा है और हम बीजेपी को वोट दिए। हाँ अच्छा क्या कहेंगे आप, तो युवा क्या बजे वोट गिराए हैं? मेरा वोट तो आज हम 10 बजे गिराए हैं जी, लेकिन जो एज ए युवा जो मेरा व्यक्तिगत मत है वो युवा नेता के साथ ही है, युवा नीलाभ कुमार जी, युवा के साथ गए हैं आप जी, क्योंकि उनका एक सबसे अच्छा पहलू यह है कि पिछले 4 सालों से फील्ड में है और हम युवाओं के बीच में उनका अच्छा एग्जिस्टेंस है, और ऐसे तो और दूसरे नेता युवाओं के बीच में उनका नहीं है उतना अपीयरेंस, लेकिन इनका अच्छा खासा हम लोगों के बीच में। अच्छा क्या कहेंगे, क्या लग रहा है अंकल जी, वोट गिरा दिए? जी हाँ अभी अभी गिरा का है। क्या लग रहा है माहौल? अच्छा लग रहा है। किसके साथ गए हैं? बीजेपी। बीजेपी के साथ जी सर। भूमिहार समाज के जो कैंडिडेट रहिए उसको तो नौ जान के ना दे भाई, हम जिस पर था वो हम दे के अभी आए। तो आपने सुना कि लोगों की राय क्या है, बुजुर्ग लोग अपनी राय बताइए, वहीं युवा युवा के साथ हैं, अधिकतर युवाओं ने कहा कि हम मुकेश सहनी की पार्टी यानी कि नीलाभ कुमार के जो कैंडिडेट है, नीलाभ कुमार जो कैंडिडेट हैं वीआईपी के, भूमिहार कैंडिडेट है, तो युवा उस साइड भी जा रहे हैं। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि स्वर्ण समाज के जो युवा हैं वो अगर शिफ्ट करते हैं तो बीजेपी को कितना नुकसान होता है और किसे फायदा मिलता है, ये तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।